आज बुधवार को 43 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग सभी लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री जानने में जुट गया है। सीएमओ योगेश शर्मा ने मीडिया से रूबरू होते हुए जानकारी दी है। मामलों की बात करें तो इनमें से 8 पॉजिटिव मामले सेक्टर 7 के, 4 पॉजिटिव मामले अशोक नगर, मॉडल टाउन, मिथुन मोहल्ला, ओल्ड चार चमन, सैनी कॉलोनी, असंध हल्का, शेखपुरा, मोती नगर सेक्टर 8, आदर्श नगर सेक्टर 32, सेक्टर 6, ओल्ड हाउसिंग बोर्ड, सदर बाजार, प्रेम नगर, वजीर चंद कॉलोनी, पदाना, उपलाना व जुंडला गेट से हैं। अन्य मामले भी जिले के अलग अलग एरिया से जुड़े हुए हैं। 43 पॉजिटिव मामलों की बात करें तो इनमें कुछ मामले ट्रैवल हिस्ट्री से जुड़े हैं तो कुछ मामले पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आने वाले हैं। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग सभी लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री जानने में जुट गया है। करनाल जिले में अब तक कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1414 हो चुकी है। एक्टिव केसों की संख्या की बात करें तो जिले में 327 केस एक्टिव हैं। वहीं 1074 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 13 मरीजों की कोरोना से मृत्यु हो चुकी है। आज सुबह से हमारे अभी तक 43 केसेस पॉजिटिव आए हैं और हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम्स जो हैं उनके साथ कांटेक्ट करके और उनको शिफ्टिंग की, चाहे वो होम आइसोलेट करना है या CCC पे शिफ्ट करना है, KCGMC में शिफ्ट करना है, उसकी व्यवस्था कर रही है और साथ में उनके कांटेक्ट ट्रेसिंग करी जा रही है। अपने जिले में कितने एक्टिव और कितने पॉजिटिव केस? अभी हमारे कल इवनिंग तक 264 पॉजिटिव केसेस एक्टिव केसेस हैं और रिकवरी रेट हमारा 80% से अबव है और इसमें किसी तरह की कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अभी हमने नंबर ऑफ टेस्टिंग जो है डेली की वो इंक्रीज़ करी है, उसी के कारण थोड़ा नंबर जो है वो इंक्रीज़ हुआ है अभी फिर कुछ दिनों से। लेकिन इसको रोकने का एक यही तरीका है, जितनी ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे और जितने ज़्यादा हम पेशेंट को डायग्नोस करके उनको आइसोलेट करेंगे उसी से ये चेन ब्रेक कर सकते हैं। तो बात करें, लोग अब कहीं ना कहीं गंभीर हुए हैं, जैसे पहले गंभीर थे, बिना मास्क के भी शहर में घूम रहे हैं, और जैसे फेस्टिवल या क्रिसमस जन्माष्टमी उसको लेके भी बाजारों में काफ़ी भीड़ देखी, तो सब लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं? ये आपकी बात ये ठीक है, थोड़ा सा लोग अभी कैजुअल हुए हैं, बट वो ये मैं फिर कहना चाहूँगा अभी भी हमें पूरी तरह सचेत रहने की ज़रूरत है। केसेस आ रहे हैं, हमें पूरी सावधानियाँ बरतनी है, ना केवल अपने लिए, अपने फैमिली के लिए और अपनी सोसाइटी के लिए आपको पूरी सावधानियाँ बरतनी है, पूरी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी है, मास्क प्रॉपर तरीके से वियर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाक और मुंह दोनों ढक के हम अपने आपने मास्क हर टाइम जब भी बाहर निकले तो पहन के रखना है, हैंड वॉशिंग रेगुलरली करते रहना है और सैनिटाइजर का जहाँ तक हो प्रयोग करते रहना है। इन्हीं सावधानियों से हम इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। हमने बहुत सी टेस्टिंग साइट इंक्रीज़ करी हैं, जैसे पहले भी हमने कई बार बताया कि हमने अब जैसे पहले केवल कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में टेस्ट कलेक्शन सेंटर्स था, अभी हमने सिविल हॉस्पिटल में एक साइट कल से पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाएगी और डेली सैंपलिंग लेगी, सेक्टर 6 में, सेक्टर 16 की पॉलीक्लिनिक में। ये तो हमारे 4 फिक्स्ड साइट्स जो हैं जो कल करनाल सिटी में हैं। इसके अलावा CHCs पे जो हमारे सब डिविजनल हॉस्पिटल्स हैं उन पे भी हम फिक्स्ड साइट्स हैं। इसके अतिरिक्त 2 मोबाइल वैन्स हैं जो डिफरेंट एरियाज़ में डेली जा रही हैं। हम डिफरेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या बड़े जो कमर्शियल जगह हैं वहाँ पे भी जाके हम इनकी सैम्पलिंग बैंक से इत्यादि की सैम्पलिंग कर रहे हैं, जिससे मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट ले सकें। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।